हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ के लिए चैप्टर नंबर टेन दैट इज स्ट्रेट लाइंस तो वी आर डूइंग मिस लेनियस एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तक लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे आज की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक ये सारे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लेंथी क्वेश्चन हैं और ये हमेशा आपको फोर मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ठीक है तो ये बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो को देखना है प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे सो so, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एटीन फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट थ्री कॉमा एट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट गिवन है उसकी हमें इमेज फाइंड आउट करनी है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन गिवन है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर तो यहाँ पर तीन चार चीजें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो इसको पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ये हमारा है कार्टिशन प्लेन ठीक है तो कार्टेशियन प्लेन में ये हमारी एक्स एक्सेस होगी और ये हमारी वाई एक्सेस होगी सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की तो पॉइंट थ्री कॉमा एट कुछ यहाँ पर होगा ठीक है थ्री जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सेस का और एट डिस्टेंस जो है वो हमारा वाई एक्सेस का तो थ्री कॉमा पॉइंट एट जो पॉइंट है वो हमारा कहीं यहाँ पर होगा दूसरी आ गई विद रिस्पेक्ट टू द लाइन तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है लेटेस्ट से ये ए बी लाइन है ठीक है और ये गिवन है हमें एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन ठीक है है ये लाइन गिवन तो इस तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम करें कि ये एक लाइन है एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर तो लाइन को हमने एक प्लेन मिरर की तरह मानना है और हमें इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है तो लेटर से लाइन के इस साइड पे उसकी इमेज है ठीक है तो लेटर से मान लेते हैं कि लाइन के इस साइड पे Q जो है वो उसकी इमेज है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं H, K ठीक है अब लाइन जो है वो एक मिरर की तरह है तो जितना डिस्टेंस पी पॉइंट का लाइन से होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू पॉइंट का लाइन से होगा इतनी तो बात क्लियर है तो जो हमने अभी ये बनाया है इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं तो लेट सबसे पहले जो क्यू है ठीक है दैट विल बी द इमेज ऑफ द P पॉइंट ठीक है थ्री कॉमा एट ठीक है और दूसरी चीज हम सपोज कर लेते हैं लेट कोर्डिनेट्स ऑफ क्यू बी ठीक एच कॉमा के ठीक है अब बेसिकली तो हमें क्या करना है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है ठीक है ना दूसरी चीज जो पॉइंट पी है और Q है ठीक है एट इक्वल डिस्टेंस क्योंकि जो लाइन है वो क्या है आपकी प्लेन मिरर है ठीक है तो पॉइंट पी एंड क्यू विल बी एट ऐसे लिख लेते हैं विल बी एट इक्वल डिस्टेंस ठीक है इक्वल डिस्टेंस जो ए बी है लाइन इज अ प्लेन मिरर ठीक है ना ये दो तीन चीजें आपने ऊपर लिख के आनी है लेटर से यहाँ पर पी जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है ठीक है तो हम मान लेते हैं उसको आर ठीक है तो अब बोलते हैं कि PR से P का डिस्टेंस मतलब P पॉइंट का R से डिस्टेंस और Q पॉइंट का R से डिस्टेंस भी सेम होगा मैंने अभी बताया ना ये भी जो लाइन है वो प्लेन मिरर है तो जितना डिस्टेंस लाइन का P पॉइंट से होगा ठीक है और उतना ही डिस्टेंस Q पॉइंट का लाइन से ही होगा ठीक है सो देयर देयरफॉर ठीक है सो दैट इज क्या मान लेते हैं हम यहां पर कि जो PR है वो QR के इक्वल हुआ PR के PR जो है वो QR के इक्वल हुआ सो देआर फोर ठीक है जो आर है वो क्या बन गया दैट इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ठीक है अब हम यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ठीक है इस तरह से ठीक है तो जो R है वो मिड पॉइंट है PQ का तो क्या हम R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है तो वॉट इज मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू सो आर के कॉर्डिनेट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं सो so, आर के कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे थ्री प्लस एच डिवाइडेड बाई टू ठीक है और एट प्लस के डिवाइडेड बाई टू तो ये आ गए आपके आर के कॉर्डिनेट्स ठीक है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला अब दूसरी चीज जो आर पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है आपकी ए बी लाइन पे लाई कर रहा है ठीक है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा तो सिंस पॉइंट जो आर है ठीक है लाइज ऑन द लाइन ठीक है लाइन क्या है आपकी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन ठीक है तो आर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे तो यानी कि एक्स की वैल्यू होगी थ्री प्लस एच डिवाइडेड बाई टू और वाई की वैल्यू होगी एट प्लस के डिवाइडेड बाई टू ठीक है सो थ्री प्लस एच डिवाइड बाई टू प्लस थ्री इन टू वाई की वैल्यू पुट करो थ्री एच एट प्लस के डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू सेवन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अ इक्वेशन बिटवीन एच एंड के ठीक है सो so, इसको सॉल्व कर लेते हैं थ्री प्लस एच बाई टू ठीक है ये मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेंटी फोर प्लस थ्री के डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सेवन टू लिया एलसीएम सी एम थ्री प्लस एच प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थ्री के इज़ इक्ल टू सेवन इसको इधर कर दिया थ्री प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थ्री के प्लस एच ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है इज इक्वल टू फोर्टीन ठीक है अब यहाँ पर थ्री के प्लस एच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन उसको उधर ले गए सो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ठीक है तो जब भी दो चीज़ें निकालनी हो जैसे यहाँ पर एच और के दोनों ही निकालने हैं तो दो इक्वेशंस क्या हैं मस्ट हैं ठीक है ना तो एच और के के बीच में हमें एक इक्वेशन मिल गई है एच प्लस थ्री के इज इक्वल टू माइनस थर्टीन अब दूसरी कैसे निकालेंगे अब दूसरी निकालने के लिए एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है जो पी क्यू है ठीक है दैट इज़ पर पेंडिकुलर टू ए बी आप देख सकते हैं कि ये पर पेंडिकुलर है ठीक है तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू है वो स्लोप ऑफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा माइनस वन होगा तो दूसरा हम कौनसेप्ट वही लगाएंगे कि एज़ जो पी क्यू है दैट इज़ पर पेंडिकुलर टू ए बी लाइन ठीक है तो स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा माइनस वन के इक्वल होगा ठीक है अब ए बी लाइन जो है वो हमें क्या गिवन है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन है ना ये हमें लाइन ए बी गिवन है ठीक है अब यहाँ से इसकी स्लोप निकल सकती है बिल्कुल निकल सकती है तो रिड्यूस करो इसको इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है तो अब मैं निकालने जा रही हूँ यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए बी ठीक है तो y को रहने दो लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी को ले जाओ राइट हैंड साइड पे ठीक है सो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन ठीक है अब y इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस सेवन बाई थ्री ठीक है थ्री को दोनों साइड से डिवाइड मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ठीक है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m आ गया मेरे पास माइनस वन बाय थ्री इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके और m क्या होती है स्लोप होती है है ना तो एम आ गई वन माइनस वन बाई थ्री सो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी ठीक है तो अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड आउट करनी हो सो so अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो माइनस माइनस कैंसिल तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगी थ्री ठीक है अब मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी है स्लोप ऑफ पी क्यू भी आ गई है ठीक है अब जो पी और क्यू के पॉइंट्स थे आप देखो पी के पॉइंट्स के आते थ्री कॉमा एट और क्यू के पॉइंट्स क्या थे एच कॉमा के ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पी के पॉइंट्स हैं थ्री कॉमा एट क्यू के पॉइंट्स हैं एच कॉमा के अब ऐसे भी तो निकल सकती है एक दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे भी तो निकालते हैं हम ठीक है सो के माइनस एट डिवाइड बाई एच माइनस थ्री तो ये भी क्या है आपकी स्लोप ऑफ पी क्यू ही है ठीक है तो अब ये भी स्लोप ऑफ पी क्यू है ये भी स्लोप ऑफ पी क्यू है क्या हम इन दोनों को कंपेरिजन करके एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं सो थ्री इज इक्वल टू के माइनस एट अपॉन एच माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री एच माइनस नाइन के माइनस एट सो थ्री एच माइनस के नाइन को उधर ले गए सो दिस विल बी पॉजिटिव वन ठीक है सो so, हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई ठीक है अब फर्स्ट इक्वेशन पे वापस चलो ये देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है थ्री के प्लस एच ठीक है सो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी थ्री के प्लस एच इज इक्वल टू माइनस का थर्टीन ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंगली लिखो माइनस के प्लस थ्री एच इज इक्वल टू वन अब इसके एक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम कर लो तो मैं सेकेंड इक्वेशन को ये सेकेंड इक्वेशन है मेरी ठीक है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्री के साथ ठीक है तो थ्री के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट माइनस थ्री के ठीक है नाइन एच इज़ इक्वल्स टू थ्री ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद थ्री अब फर्स्ट इक्वेशन को फिर से इसके नीचे लिखो थ्री के प्लस एच इज़ इक्वल टू माइनस का थर्टीन अब करो साइंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव ऑलरेडी है सो दिस इज़ टेन एच माइनस टेन सो एच इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है अब एच की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो थ्री इंटू माइनस वन माइनस के इज इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस के इज इक्वल्स टू वन सो माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू के सो माइनस फोर आ गई के की वैल्यू ठीक है सो so, क्यू क्या था इमेज थी और एच और के उसके कॉर्डिनेट्स थी तो क्यू के कॉर्डिनेट्स क्या बन गए माइनस वन कॉमा माइनस फोर सो दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी ठीक है जी तो ऐसे आपको फुली अच्छी तरह से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है राइट नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इफ द लाइन्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन ठीक है सो so, लेट हम मान लेते हैं कि ये लाइन ए बी है ठीक है वाई इज इक्वल टू एम एक्स थ्री एक्स प्लस वन ठीक है ये हमारी लाइन जो है वो ए भी है दूसरी लाइन भी देख लेते हैं सो लाइन सी डी जो है दैट इज टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ठीक है आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ठीक है फिर से एक और लाइन सपोज करनी पड़ेगी तो लेटर से ये लाइन पी क्यू है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर ठीक है तो तीन लाइंस हैं तो जो ऊपर वाली लाइन ए बी और लाइन सी डी है वो इक्वली इंक्लाइंड है इसके ठीक है तीसरी लाइन के फाइंड द वैल्यू ऑफ एम तो आपको इसमें एम की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में तो लाइन ए बी एंड सी डी आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन पी क्यू इतनी चीज़ तो हमें ऑलरेडी गिवन है ठीक है तो पहले ना तीनों की स्लोप्स निकाल के रख लो ठीक है तो मैं यहाँ पर निकालती हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी ठीक है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी सीधा ही आ जाएगा क्योंकि हम रिड्यूस करेंगे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो इसको अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो एम की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई ठीक है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है वो क्या है एम इज इक्वल्स टू थ्री आ गई ऐसे ही आप निकालो स्लोप ऑफ लाइन सी डी ठीक है स्लोप ऑफ लाइन सी डी अगर करें सो टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है सो वाई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू सो यहाँ पर इसकी स्लोप आ गई वन बाई टू ठीक है इसको मान लेते हैं कि ये एम वन है ये हमारा एम टू है ठीक है ये आ गई स्लोप ऑफ लाइन सी डी और लास्ट जो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू है ठीक है वो आपको पता ही दिख ही रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन जो पी क्यू है वो क्या है एम है सो so, मान लेते हैं कि ये एम थ्री है और ये एम के इक्वल है ठीक है जी राइट right? ये तीनों की हमें स्लोप्स यहाँ पर निकाल के रख ली सो लाइन ए बी और सी डी अगर इक्वली इंक्लाइंड है सो so, इसका मतलब क्या है कि लाइन ए बी एंड सी डी दे मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइन पी क्यू ठीक है इक्वल एंगल्स विद द लाइन पी क्यू इक्वली इंटलाइन का मतलब ये हुआ ठीक है अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू ठीक है इज इक्वल टू एंगल बिटवीन सी डी एंड पी क्यू दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा बराबर होगा ठीक है अब यह पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू ये चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एम टू ठीक है यही होता है हमारे पास अब यहाँ पर एम टू और एम वन आपने किसको किसको लेना है ए बी को लेना है और हमारा पी क्यू को लेना है तो अगर हम ए बी और पी क्यू को ले रहे हैं तो यहाँ पर एम टू और एम वन नहीं रहेंगे हमारे पास एम थ्री है सो एम थ्री माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम थ्री इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सो एम थ्री क्या हो जाएगा एम ठीक है एम वन क्या हो गया थ्री सो वन प्लस थ्री एम ठीक है मॉड के अंदर ये हो गया टैन थीटा की वैल्यू ये हो गया एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू ठीक है और दूसरा हम निकालेंगे एंगल बिटवीन सी डी एंड पी क्यू ठीक है सी डी और पी क्यू की बीच में सो so फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एम टू ठीक है अब यहाँ पर हमें सी डी को लेना है और पी क्यू को लेना है बट सी डी की स्लोप को हमने क्या माना है एम टू माना है और इसकी स्लोप है एम थ्री ठीक है तो फॉर्मूला विल चेंज इन टू ठीक है कि एम थ्री माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम टू एम थ्री ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है सो एम माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम इन टू वन बाई टू ठीक है इसको थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट करेंगे टू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो सिंपल हम सीधा ही एल ले, ले लेते हैं ठीक है सो ये टू से टू जो है वो कैंसिल हो गया सो so, हमारे पास ये जो tan थीटा की वैल्यू आई टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम ठीक है अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं दोनों को हम इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो ये कर दिया हमने दोनों को इक्वेट ठीक है अब जब हम इसका मॉड हटाएंगे तो एक बार लेंगे इसके आगे प्लस और एक बार लेंगे इसके आगे माइनस ठीक है सो एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम एक बार हम प्लस में ही कर रहे हैं इसको टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई एम माइनस थ्री और साथ में टू प्लस एम ठीक है वन प्लस थ्री एम ठीक है और साथ में टू एम माइनस वन ठीक है सो so, ये हो गया टू एम एम स्क्वेयर माइनस सिक्स माइनस थ्री एम ठीक है टू एम ठीक है माइनस वन सिक्स एम स्क्वायर माइनस का थ्री एम ठीक है तो हम यहाँ पे देखें माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम भी कट जाएंगे टू एम टू एम हम सामने सामने कट जाएगा तो एम स्क्वायर ठीक है माइनस सिक्स एम स्क्वायर ठीक है और ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स यही हो जाएगा हमारे पास तो ये हो गया माइनस फाइव एम स्क्ोयर इज इक्वल टू फाइव विच इज़ इक्वल्स टू माइन एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन तो एम स्क्वायर माइनस वन अब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल ठीक है तो ये केस नहीं चलेगा यहाँ पर अब दूसरी बार लेते हैं माइनस एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इसके आगे लेंगे माइनस टू एम माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाई टू प्लस एम ठीक है तो यहाँ पर आ गया माइनस टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस एम एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई एम माइनस थ्री ठीक है टू प्लस एम इज इक्वल टू माइनस टू एम प्लस वन ठीक है इन टू वन प्लस थ्री एम ठीक है सो ये मल्टीप्लाई करके आएगा टू एम प्लस एम स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री एम ये आ जाएगा माइनस टू एम माइनस का सिक्स एम स्क्वेयर प्लस वन प्लस थ्री एम ठीक है सॉरी ये आ जाएगा हाँ ठीक है वन प्लस थ्री एम राइट तो अब यहाँ पर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे सो टू एम प्लस टू एम ठीक है इधर ले आए माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम ठीक है सारे इधर ले आए और एम स्क्वायर भी इधर ही रहने देते हैं एम स्क्वायर सिक्स एम स्क्वायेर और ये माइनस सिक्स ठीक है और माइनस वन राइट हैंड साइड पे जीरो बना लिया तो सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई सो so, ये हो गया फोर एम ठीक है और ये हो गया सिक्स एम तो फोर पॉजिटिव का है और सिक्स नेगेटिव का है सो दिस इज माइनस टू एम इन चारों को सॉल्व कर लिया प्लस सेवन एम स्क्र माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो अगर इसको ठीक करके लिखें तो सेवन एम स्क्वेयर माइनस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई अब इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो मैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व कर रही हूँ जो हमने क्लास टेंथ में पढ़ रखा है सो so, ए की वैल्यू सेवन बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू माइनस सेवन ठीक है सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी तो ये हो जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर फोर इंटू ए की वैल्यू है सेवन और ए की वै सी की वैल्यू भी माइनस सेवन सो फोर प्लस ये हो गया ट्वेंट फोर्टी नाइन इंटू फोर डैट इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स ठीक है तो ये आ गया टू हंड्रेड ठीक है तो ये आ गया आपका टू हंड्रेड राइट तो हम अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई टू ए ठीक है सो माइनस बी माइनस माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इंटू एवन ठीक है ये पॉजिटिव का टू बन गया टू प्लस माइनस अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू इन टू हंड्रेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है डिवाइडेड बाई फोर्टीन ठीक है अब यहां पर टू प्लस माइनस हंड्रेड का रूट क्या होता है टेन तो ये टेन बाहर आ गया तो टेन अंडर रूट टू रह गया डिवाइडेड बाई फोरटीन ठीक है अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं ठीक है सो so टू एक बार प्लस ठीक है टेन अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई फोर्टीन और एक बार बीच में माइनस लेंगे ऐसे ही लेंगे ना अब ऊपर में से टू कॉमन आ सकता है सो वन प्लस फाइव अंडर रूट टू ठीक है डिवाइडेड बाई फोर्टीन ठीक है और यहाँ पर भी टू कॉमन ले सकते हैं सो वन माइनस फाइव अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई फोर्टीन सो टू और फोर्टीन कट हो गए ठीक है सेवन वन वन बाई सेवन पे सो so आपकी m की वैल्यू आ गई वन प्लस फाइव अंडर ओड टू डिड बाई है तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन ठीक है तो आपको ये लाइन नंबर वन गिवन है और ये लाइन नंबर टू गिवन है और कहा गया है कि जो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं उनका जो सम है वो गिवन है इक्वल टू टेन ठीक है तो पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट पी वन बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ठीक है तो पॉइंट हमें गिवन है पी एक्स वाई ठीक है फ्रॉम द लाइन ठीक है तो पहले लाइन ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो मान लिया कि इसका p1 वन पर पेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है दूसरी तरफ मान लेते हैं कि लेट p2 टू बी द पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है ऑफ पॉइंट p ठीक है फ्रॉम द लाइन 3x एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो पी टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से ठीक है तो हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो सम है वो कितना है टेन है ठीक है ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं सो so उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ठीक है मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होता है हमारा फॉर्मूला अगर इसको देखें तो हमारी ए की वैल्यू क्या है वन है इस लाइन को देखें एक्स का कफीशन क्या है वन है वाई का कफीशन भी क्या है वन है सो so, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू क्या है माइनस फाइव है और ये हमारा एक्स वन है और ये हमारा वाई वन है ठीक है सो so, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी वन माना है हमने इसको ठीक है सो वन इंटू एक्स ठीक है सो वन इंटू वाई माइनस फाइव ठीक है डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन स्क्वायेयर प्लस ठीक है वन स्क्वायर यही आएगा हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस फाइव मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू ठीक है ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 ठीक है जिसमें A की वैल्यू हमारे पास 3 है B की वैल्यू माइनस टू है C की वैल्यू प्लस सेवन है ठीक है सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स ठीक है प्लस माइनस टू इंटू, इंटू वाई ठीक है प्लस सेवन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर इसको रखेंगे मॉड के अंदर ठीक है सो दिस इज थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय नाइन प्लस फोर कितना हो गया रूट ऑफ थर्टीन ठीक है सो दिस इज अब पोपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू ठीक है और हमें गिवन था कि पोपेंडिकुलर डिस्टेंसेज का जो सम है वो कितना टेन है तो दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं सो मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू ठीक है प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थर्टीन ठीक है इज इक्वल टू टेन ठीक है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे रूट टू एंड रूट थर्टीन हम एलसीएम लेंगे ठीक है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इंटू रूट ऑफ थर्टीन ठीक है प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन और साथ में रूट ऑफ टू ठीक है इज इक्वल टू टेन ठीक है रूट टू इंटू रूट थर्टीन ये कितना हो गया रूट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो so, ऊपर हमारे पास आया x प्लस वाई माइनस फाइव ठीक है और रूट ऑफ़ थर्टीन साथ में ठीक है प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन ठीक है और रूट ऑफ टू साथ में इज़ इक्वल टू टेन इंटू ये रूट टू इंटू रूट थर्टीन मैं इधर ले गई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये हो गया रूट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ठीक है राइट अब अगर मैं इसके मॉड हटाऊं तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं रू प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टीन ठीक है और साथ में x प्लस वाई माइनस फाइव और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट टू थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन ठीक है ब्रैकेट के अंदर और ये आ जाएगा टेन अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो जब हम इन इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर चार केसेस बना सकते हैं पहले केस में ये वाला प्लस ले लिया ये वाला माइ दोनों प्लस ले लिए ठीक है ऐसे केस बन सकता है दोनों बार प्लस ले लिया फिर ये प्लस ले लिया ये माइनस ले लिया फिर ये वाली टर्म माइनस ले ली फिर ये प्लस ले ली और दोनों माइनस ले लिए तो हमारे पास चार टोटल केसेस बनेंगे तो हर केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल रिड्यूस इन सम लीनियर इक्वेशन सो so, हम सबको रिड्यूस करके अब नहीं दिखाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है ऑन अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ठीक है जब हम अरेंजमेंट करेंगे टर्म्स को तो जो अबव इक्वेशन है ठीक है रिड्यूस हो जाएगी टू द फॉर्म ठीक है वो किस फॉर्म में जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो दैट इज जो पी है आपका जो P पॉइंट है दैट मूव्स ऑन अ लाइन ठीक है ना अगर उसकी एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन बन जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट क्या कर रहा है मूव कर रहा है लाइन पे यही आपको क्या करना था प्रूव करना था ठीक है आप चाहे तो इसको ये चार लीनियर इक्वेशंस बना के दिखा सकते हैं ठीक है बट करने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपल ये लाइन लिख दीजिए और इस आंसर को प्रूव कर दीजिए ठीक है सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम द पार्लर लाइन्स ठीक है तो यहाँ पर लाइन नंबर वन है उसकी इक्वेशन गिवन है लाइन नंबर टू है उसकी इक्वेशन गिवन है और लाइन नंबर वन इज पार्लर टू लाइन नंबर टू ठीक है मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लाइन्स वन एंड टू ठीक है सो so देयरफोर उनका पोपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा ठीक है ये क्वेश्चन हमने इस तरह का पहले भी किया है सो लेट मान लेते हैं कि d1 वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम लाइन नंबर वन और d2 जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन नंबर टू सो हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि d1 जो है वो d2 के इक्वल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं इस फॉर्मूला से ठीक है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना तो चलिए पहले डी वन फाइंड आउट करते हैं पहले लाइन नंबर वन लेते हैं ठीक है सो लाइन नंबर वन हमारी है ठीक है नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो सो ए की वैल्यू है नाइन बी की वैल्यू है प्लस सिक्स ठीक है और सी की वैल्यू है माइनस का सेवन ठीक है और हमारा पॉइंट जो है वो एच कोमा के है सो दिस इज़ एक्स वन एंड दिस इज वाई वन ठीक है चलिए डी वन पर पेंडिकुलर डिस्टेंस है सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं नाइन इंटू एच ठीक है प्लस सिक्स इंटू के ठीक है माइनस सेवन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर ठीक है सो डी वन विल बी नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन मॉड के अंदर रूट के अंदर आ जाएगा 81 वन प्लस थर्टी सिक्स ठीक है एक और स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं नाइन एच सिक्स के माइनस सेवन ठीक है डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास वन हंड्रेड एंड सेवनटीन ठीक है तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन ये मॉड के अंदर ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री अंडर रूट 30 ठीक है ये हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में जब ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा ठीक है चलिए हम डी टू कैलकुलेट कर लेते हैं सो डी टू इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम लाइन नंबर टू सो लाइन नंबर टू हमारी क्या है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी बी की वैल्यू टू सी की वैल्यू सिक्स और पॉइंट क्या है एच कॉमा के लेट अस फाइंड डी टू ठीक है सो दिस इज अवर एक्स वन एंड दिस इज़ अवर वाई वन सो थ्री इंटू एच टू इंटू के प्लस सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है सो दिस इज़ थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स थ्री स्क्वायर नाइन प्लस फोर थर्टीन सो दिस इज़ रूट ऑफ थर्टीन ठीक है सो ये आ गया आपका डी टू और ये है आपका डी वन और दोनों का डिस्टेंस क्या था सेम था चलिए तो डी वन इज इक्वल्स टू डी टू ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू डी टू ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन डिवाइडेड बाई थ्री अंडर रूट थर्टीन इज इक्वल टू थ्री एच प्लस सिक्स के सॉरी टू के प्लस सिक्स मॉड के अंदर और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थर्टीन ठीक है सो so, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ थर्टीन रूट ऑफ थर्टीन कैंसिल हो जाएगा नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन मॉड के अंदर इस थ्री को इधर लेके जा रही हूँ सो थ्री इन टू थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स ठीक है ये आ गया अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम इसके मॉड्स जो हैं, वो हटाते हैं तो क्या हो जाएगा नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन तो सिर्फ मॉड के बाहर ये है तो प्लस माइनस लिख देंगे थ्री थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स ठीक है तो यहाँ पर अब दो केसेस बनेंगे एक बार प्लस थ्री को यूज़ करेंगे और एक बार माइनस थ्री को यूज़ करेंगे सो नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन अब पॉजिटिव थ्री को यूज़ कर रही हूँ थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स ठीक है तो सॉल्व करो नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन सो ये हो जाएगा नाइन एच सिक्स के प्लस एटीन सो नाइन एच और नाइन एच हो गए सिक्स एच सिक्स के हो गए सो so क्या माइनस सेवन एटीन के बराबर आ सकता है सो नॉट पॉसिबल ठीक है तो जब हमने ये प्लस का थ्री लिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है केस ठीक है तो चलिए केस नंबर टू देखते हैं नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन माइनस का थ्री थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स ठीक है सो नाइन एच सिक्स के माइनस सेवन माइनस का नाइन एच माइनस का सिक्स के माइनस का एटीन ठीक है सारी टर्म्स को हम साइड पे ले आते हैं नाइन एच नाइन एच सिक्स के सिक्स के माइनस सेवन प्लस एटीन इज टू ज़ीरो तो ये हो गया एटीन का एच ठीक है सो एटीन एच प्लस ट्वेल्व के प्लस इलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो अगर हम एच और के को एक्स एंड वाई पॉइंट्स माने तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक है तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू ठीक है तो हमने सबसे पहले इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर समझना है ठीक है सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई ठीक है वाई एक्सिस हमारा जो पॉइंट है वन कामा टू वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है ठीक so है सो पी पॉइंट है वन कामा टू क्योंकि एक्स का वन है और वाई का क्या है टू है ठीक है कहता है रे ऑफ लाइट जो है वो इससे पास कर रही है ठीक है तो रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से पास reflects on the तो कर रही है रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सेस ठीक है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए ठीक है तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया ए लेटेस्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए के कॉमा जीरो के कॉमा जीरो इसलिए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसको मान लिया हमने के ठीक है एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट फाइव कामा थ्री तो दूसरा कोई पॉइंट है फाइव कामा थ्री तो लेटर सी एक्स का फाइव पॉइंट है और ये थ्री पॉइंट यहाँ पर होगा ठीक है तो क्यू पॉइंट मान लेते हैं हम इसको फाइव कामा थ्री और रिफ्लेक्टेड रे जो है ठीक है वो इससे क्या कर रही है पास कर रही है ठीक है रिफ्लेक्टेड रे इससे पास कर रही है राइट right? इतना तो समझ में आ गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करनी है ठीक है तो सिंस पॉइंट जो है वो ए एक्सेस एक्स एक्सेस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है जीरो है ये तो हमें पता चल गया ठीक है तो हमें बेसिकली के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ठीक है राइट right? तो अब सबसे पहले एंगल की बात करते हैं तो ये जो रेज है ये क्या एंगल बना रही हैं विद ए पॉजिटिव एक्स एक्सेस मतलब ये वाली एक्स एक्सेस के साथ जो है वो क्या एंगल बना रही हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं क्यू ए एक्स जो है वो लेटर से मैं मान लेती हूँ कि ये थीटा एंगल बना रही हैं ठीक है तो ये मैम कह दिया कि लेट जो कर लिया क्यू एक्स जो है वो क्या है थीटा है ठीक है ओके सो so, हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया ठीक है डॉटेड लाइन से ये एम ए जो है वो मैंने नॉर्मल बना दिया ठीक है नाउ जो एम ए है वो क्या है नॉर्मल है ठीक है अब अगर हम देखें तो एम ए एक्स जो है ठीक है ये वाला एंगल जो है ये देखो ध्यान से ये कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक है एम एक्स जो है वो एंगल एम एक्स जो है वो कितना है नाइन्टी डिग्री है अब अगर देखें ये थीटा और नाइन्टी ठीक है ये एम ए क्यू एंगल प्लस थीटा वो कितना टोटल है नाइन्टी है देखो थीटा प्लस एंगल एम ए क्यू इज़ इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ इस तरह से है इसको हमने माना थीटा ठीक है ये हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है ठीक है ये हमारा एम है ये हमारा क्यू है ये हमारा ए है ठीक है और ये हमारा एक्स है तो ये 90 जो है वो पूरा किसका बन रहा है एक तो ये एम ए क्यू का ये वाला एंगल का और ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो यहाँ से एम ए क्यू जो आ गया वो आ गया नाइन्टी माइनस थीटा ठीक है ये आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा अब मैं इसको यहाँ पर करके आपको दिखाती हूँ ठीक है ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा क्लियर है इतनी बातों क्लियर हो गई अब हमने क्या निकालना है एम ए पी ये वाला एंगल ठीक है एम ए पी ठीक है एम ए बी क्या हो जाएगा एम ए पी भी क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे है ठीक है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वली होता है क्योंकि हमने एम ए को एक नॉर्मल माना है ठीक है राइट सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन ठीक है तो एम ए क्यू भी नाइन्टी माइनस थीटा है एम ए पी भी जो है वो नाइन्टी माइनस थीटा है ठीक है तो अगर हमें पी ए एक्स निकालना हो ठीक है तो पी ए एक्स क्या हो जाएगा देखो ये तीनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन ठीक है तो तीनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन मतलब 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा और थीटा ठीक है ये हो जाएगा पी एक्स एक थीटा एक थीटा से कट गया सो दिस इज़ 180 एटी माइनस थीटा तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो एंगल है वो सारे क्या बना रहे हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है एंगल तो पता चल गया अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है अब हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी ए ठीक है तो स्लोप ऑफ लाइन पी ए तो पी ए के पॉइंट्स क्या हैं पी का पॉइंट है वन कॉमा टू और जो ए का पॉइंट है वो है के और ज़ीरो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो हम ये पुट करेंगे सो दिस इज ज़ीरो माइनस टू अपॉन के माइनस वन ठीक है यहाँ फिर लिख सकते हो माइनस टू अपॉन के माइनस वन ठीक है तो मैंने यहाँ से निकाल लिया स्लोप ऑफ पी ए लाइन जो है दैट इज माइनस टू अपॉन के माइनस वन ठीक है ये आ गई आपके पास अब दूसरी चीज क्यू ए लाइन की निकाल सकते हैं क्यू ए लाइन की स्लोप बिल्कुल निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्यू ए क्योंकि Q का पॉइंट है फाइव कॉमा और A का पॉइंट है K कॉमा ज़ीरो ठीक है तो स्लोप निकालो इसकी ठीक है ज़ीरो माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के माइनस फाइव दैट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन के माइनस फाइव ये आ गई आपकी स्लोप ठीक है अब आपको सभी चीज़ों के एंगल्स भी पता हैं ठीक है तो क्या आप एंगल के कॉन्सेप्ट से आप स्लोप्स निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो ठीक है तो अगर मैं स्लोप ऑफ पी ए निकाल एंगल के हिसाब से तो स्लोप क्या होती है टैन थीटा ठीक है और पी ए जो है वो क्या एंगल बना रहा है आपने अभी निकाला था वन एटी माइनस थीटा ठीक है टेन ऑफ 180 एटी माइनस थीटा अब टेन ऑफ 180 एटी माइनस थीटा कैसे पता चलेगा क्या होगा देखो 180 एटी माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया 180 एटी माइनस थीटा दैट मीन्स जो ये होगा वो माइनस ऑफ टैन थीटा बन जाएगा ठीक है एक आ गई स्लोप ऑफ पी ए माइनस थीटा ठीक है और एक आ गई स्लोप आपकी ये वाली जो आपने ये निकाली है ठीक है अब हमने क्यू ए लाइन की भी ऐसी स्लोप निकालनी है तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू ए ठीक है इज इक्वल टू टैन थीटा देखो क्यू ए जो है वो एंगल थीटा ही बना रहा था विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यू जो एंगल है क्यू ए एक्स माना था ना थीटा तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू ए जो है वो टैन थीटा के इक्वल है ठीक है अब हम देखो एक स्लोप ये निकाली कि y2 y1 x2 x1 वाले फॉर्मूले से एक स्लोप ये वाले फॉर्मूले से निकाली तो दोनों स्लोप्स तो बराबर ही होंगी ना तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेट करेंगे तो देखो नटशेल में हमने अभी तक क्या निकाला ये निकाला हमने स्लोप ऑफ PA स्लोप ऑफ PA ठीक है स्लोप ऑफ QA एंड QA दो तो अलग-अलग फॉर्मूलों से ठीक है तो हम यहां से लिख सकते हैं -2 k 1 ऑफ tan थीटा और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय के माइनस फाइव इज इक्वल टू टैन थीटा ठीक है तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गए सो टू अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू टैन थीटा ठीक है तो ये देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनकी राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल है तो क्या लेफ्ट साइड इक्वल कर सकते हैं हम ठीक है सो टू अपॉन के माइनस वन इज टू माइनस थ्री अपॉन के माइनस फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई टू इंटू के माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू के माइनस वन टू के माइनस टेन माइनस थ्री के प्लस थ्री ठीक है सो टू के प्लस थ्री के थ्री प्लस टेन ठीक है सो फाइव के इज इक्व टू थर्टीन सो के इज इक्व टू थर्टीन बाई फाइव ठीक है तो so, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं के कॉमा ज़ीरो ठीक है सो थर्टीन बाई फाइव कॉमा ज़ीरो सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो इसमें हमने दो चीज़ें करी हैं सबसे पहले ये डायग्राम समझा फिर हमने एंगल देखे कौन कौन सा जो लाइन है वो क्या क्या एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसके बाद स्लोप निकाली विद द फार्मूला ये वाले फॉर्मूले से और फिर हमारे एम एज tan थीटा वाले फॉर्मूले से ठीक है तो दो तरह से हमने स्लोप निकाल के दोनों को बराबर किया और हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए ठीक है जी सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट यहाँ पर देखना आप स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स तो ये गिवन पॉइंट्स हैं हमारे टू द लाइन भी गिवन है आपको आपने बताना है कि जो इनका परपेंडिकुलर uh, जो लेंथ है ठीक है उनका जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर है ठीक है तो पहले तो एक पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो लेट मान लेते हैं पी वन ठीक है बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए ठीक है ए पॉइंट क्या है हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो ठीक है ठीक है टू द लाइन लाइन क्या है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन ठीक है ये पी वन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले एक ही पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं ठीक है सो so, अगर हम इस लाइन को देखें ठीक है तो इस लाइन में हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सो so, ए होता है हमारा एक्स का कफ़िशेंट तो एक्स को छोड़ के बाकी सारा तो कॉस थीटा अपॉन ए सो so, बी क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन बी ठीक है तो सी क्या आ जाएगा अगर मैं इस लाइन में इसको इधर ले आऊँल टू तो जीरो कर दूँ तो सी की वैल्यू माइनस वन बन जाएगी ठीक है सुपरपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स वन बी वाई वन सी ठीक है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हमारा एक्स वन की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा वाई वन की तरह एक्ट करेगा ठीक है सुपरपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने माना है पी वन ठीक है सारी वैल्यूज पुट कर दो अब यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ठीक है प्लस साइन थीटा अपॉन बी इंटू जीरो माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाई ठीक है रूट ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई ए का होल स्क्वेयर ठीक है प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायेर ठीक है ये आ गया आपके पास सो सोपरपेंडिकुलर डिस्टेंस पी वन जो है वो आ गया हमारे पास कॉज थीटा अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो ही हो जाएगा मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय ठीक है ये हो गया कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायेयर ठीक है तो ये हो गया हमारा पी वन राइट अब मान लेते हैं कि P2 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ़ द पॉइंट यहीं पे कर लेते हैं या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सो so, हम मान लेते हैं कि लेट P2 जो है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B ठीक है तो B पॉइंट आपका आप देखें क्या है माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो ठीक है टू द लाइन एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बेई बी साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो ए की वैल्यू वही रहेगी कॉस थीटापॉन ए सेम क्योंकि लाइन सेम है साइन थीटापॉन बी और सी की वैल्यू माइनस वन ठीक है सो पी टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है सो so, ये हमारा एक्स वन की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा वाई वन की तरह एक्ट करेगा ठीक है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायेर ठीक है साइन थीटा अपॉन बी इंटू जीरो माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा या अगले स्टेप में कर लेंगे कॉस थीटा बाय ए का होल स्क्वायर ठीक है साइन थीटा बाय बी का होल स्क्वायेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया ठीक है अब इसको नट शेल में लिख लेते हैं कॉस थीटा ठीक है यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं मॉड ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस थीटा ठीक है माइनस वन ठीक है इजी करके जैसे मर्जी आप लिख सकते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ठीक है तो ये आ गई आपकी P2 की वैल्यू ठीक है अब उसने क्या कहा था इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट कितना शो करना है हमें सिर्फ B स्क्वायर शो करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे अब P1 को मल्टीप्लाई करेंगे P2 से ठीक है तो ये लिख दी मैंने P1 की वैल्यू ठीक है ये P1 की वैल्यू है ठीक है और ये पी टू की वैल्यू है और मॉड मैंने हटा दिए हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे अब दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो देखो डिनोमिनेटर का जो रूट है वो तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायेयर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायेर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायेर ठीक है तो रूट तो आपस में कैंसिल हो गए अब ऊपर देखो क्या है ऊपर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए कॉस थीटा माइनस वन ठीक है अगर मैं इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वन ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखो तो टर्म्स बिल्कुल सेम है ये वाली टर्म इस टर्म के सेम है और ये वाली टर्म इस टर्म के सेम है और बीच में एक बार माइनस है और एक बार प्लस है सो so, क्या हम a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ठीक है और ये जो माइनस है वो मैं पहले ही बाहर ले रही हूँ तो अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ ए की जगह पर ये सारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ठीक है राइट right? अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो ये रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया नीचे हो गया ए स्क्वायर और साथ में उस गया को स्क्वायर थीटा ठीक है माइनस का वन ठीक है क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है राइट right? नीचे हमारा सेम रहेगा डिनोमिनेटर वही सेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ठीक है कॉस्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ठीक है बाकी का करते हैं हम इधर सॉल्व अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर अगर हम इस माइनस को अंदर ले आए ठीक है यहाँ फिर अभी बाहर ही रहने देते हैं ठीक है तो इसको हम टर्म्स को ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है साथ में कॉस्क्वायर थीटा ठीक है ये आ गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर ठीक है ना तो ये एक टर्म है ना और ये एक टर्म है तो हमने न्यूमिनेटर में ले लिया एलसीएम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो ए स्क्वायर बी स्क्र ठीक है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉ स्क्यर थीटा ठीक है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मैंने ले लिया एलसीएम ठीक है राइट right? ओके okay. तो चलिए अब इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ए स्क्वायर को स्क्र थीटा माइनस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ये रेसिप्रोकल करके मैं ऊपर ले आई ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये इस तरह से हो गया अब मैं माइनस को अंदर लेके जा रही हूँ ताकि मैं सारी टर्म्स ठीक से लिख सकूँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ऑफ ए स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाई ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ कट गया बी स्क्वायर बचा और इसके नीचे कुछ नहीं बचा वन बचा तो ये आ गया बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ठीक है इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा वन माइनस को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वा स्क्वायर थीटा ठीक है इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है तो अब इसको यहाँ पे कर रही हूँ अब ए इंटू वन माइनस को स्क्वायर थीटा तो वो क्या बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसल हो गई तो बचा क्या हमारे पास बी स्क्वायर हैंस प्रूफ्ड कि जो इनका प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो कितना है बी स्क्वा है ठीक है तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन तो लेटर से ये ए की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है सॉरी माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और ओ बी की जो इक्वेशन है वो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और जहां पर ये दोनों पार्थ मिल रहे हैं दो तो पर्सन जो है वो पॉइंट ओ पे खड़ा है ठीक है ही वॉन्ट्स टू रीच द पाथ पार्थ इक्वेशन इज ठीक है तो इन द लीस्ट टाइम तो मान लेते हैं कि ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है सिक्स एक्स प्लस ठीक है माइनस सेवन वाई प्लस एट माइनस सेवन वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है लीस्ट टाइम में ये इस लाइन पे पहुंचना चाहता है ठीक है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है लेटर से ये पॉइंट एम है और ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने ए बी के ठीक है राइट सो so, लाइन जो ओ ए है आपकी वो है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो लाइन ओ बी जो है वो है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और लाइन ए बी जो है वो है आपकी सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट इज़ इक्वल टू जीरो ठीक है जो दोनों पाथ्स हैं ठीक है थीके? वो किस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग एट पॉइंट ओ ठीक है तो देआर फोर जो पर्सन है ठीक है दैट इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ ठीक है इतना तो पता चल गया कि पॉइंट ओ पे वो स्टैंड कर रहा है ठीक है राइट सो हमने क्या किया पॉइंट ओ से ठीक है फ्रॉम पॉइंट ओ ठीक है इट हैज़ टू रीच ठीक है कहाँ पहुँचना है उसको इट हैज़ टू रीच लाइन ए बी इन द लीस्ट टाइम ठीक है ना लीस्ट टाइम में उसको कहाँ पहुँचना है ए बी लाइन पे पहुँचना है तो ये क्वेश्चन हो गया ठीक है तो लीस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा एक पर्पेंडिकुलर ही होगा इसलिए मैंने यहाँ पर पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया था सो लीस्ट डिस्टेंस विल बी पोपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है सो देयर फोर हमने ओ एम जो बनाया है दैट इज पोपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है सो so लेट कर लिया ओ एम जो है वो पोपेंडिकुलर टू ए बी है राइट right है ठीक है सबसे पहले ये जो ओ के कोऑर्डिनेट्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ओ ए और ओ बी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है सो इक्वेशन ओ ए है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और जो ओ बी है वो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इज़ इक्ल टू ज़ीरो ठीक है तो क्या किसी के सेम है कोऑर्डिनेट्स नहीं सेम नहीं है, तो मैं बनाने पड़ेंगे सेम तो इस इक्वेशन को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को आप टू से मल्टीप्लाई कर दो सो दिस इज सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई प्लस ट्वेल्व इज़ इक्ल टू जीरो सो दिस इज़ सिक्स एक्स एट वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को इसके नीचे लेके आओ प्लस एट वाई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो साइंस चेंज करो ठीक है तो सिक्स एक्स सिक्स एक्स कैंसिल माइनस सेवनटीन वाई ठीक है प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो दिस इज़ माइनस ट्वेंटी टू अपॉन माइनस सेवेंटीन सो वाई की वैल्यू आई है ट्वेंटी टू बाई सेवेंटीन ठीक है सो इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो ठीक है तो मैं पुट कर रही हूँ हमारी लाइन ओ ए वाली इक्वेशन में ठीक है सो टू एक्स माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी टू बाई ठीक है प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है सो दिस इज टू एक्स सिक्सटी सिक्स बाई सेवनटीन प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये सिक्सटी सिक्स बाय और फोर को ले जाओ राइट हैंड साइड पे सो लेफ्ट हैंड साइड पे टू एक्स रह गया फोर हो जाएगा नेगेटिव का सिक्सटी सिक्स बाई हो गया पॉजिटिव का ठीक है एल सी एम सिक्सटी सिक्स माइनस सिक्सटी एट टू एक्स ठीक है तो ये हो गया माइनस टू बाई सेवेन्टीन ठीक है इसको मैं अब यहाँ पर ऊपर कर करी हूँ ठीक है तो यहाँ पर ऊपर कर करी हूँ टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन सेवेंटीन सो टू से टू कैंसिल सो एक्स की वैल्यू आई माइनस वन बाई सेवनटीन ठीक है सो so, हमारा जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन गए माइनस वन अपॉन सेवनटीन ट्वेंटी टू बाई ठीक है जी ये हमें मिल गया ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमने कहा था कि ओ एम जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी है ना यही कहा हमने ठीक है तो जब हमें पता है कि ओ एम जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी ठीक है तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा माइनस वन होगा ये तो हमें अच्छे से पता है स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस वन ठीक है और लाइन ए बी क्या है हमारे पास लाइन ए बी है हमारे पास सेवन एक्स सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो क्या हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ठीक है तो मैं निकालने जा रही हूँ स्लोप ऑफ ए बी ठीक है स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगी ठीक है तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे सो दिस इज़ अवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है सो माइनस का सिक्स एक्स माइनस का एट ठीक है तो पहले तो माइनस हम कैंसिल कर देते हैं सिक्स एक्स प्लस एट माइनस माइनस कैंसिल सेवन वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस एट तो इधर सिर्फ हमें y चाहिए होता है ठीक है सो so, m की वैल्यू आ गई सिक्स बाई सेवन यानी कि इसकी स्लोप आ गई ab की सिक्स बाई सेवन ठीक है तो स्लोप ऑफ ab जो है वो सिक्स बाई सेवन है तो क्या हम स्लोप ऑफ om निकल सकती है यहाँ पे ठीक है तो om की स्लोप आ गई ठीक है ये सिक्स बाई सेवन उधर चला जाएगा ठीक है सो दिस विल बिकम माइनस सेवन बाई सिक्स ठीक है सो दिस इज़ स्लोप ऑफ ओ एम तो अब हमारे पास पॉइंट है हमारे पास स्लोप है तो हमारी इक्वेशन जो है वो निकल सकती है आराम से कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म से दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म से ठीक है सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है वाई माइनस वाई नॉट, एम इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है सो दिस इज अवर एक्स नॉट दिस इज अवर वाई ठीक है सो so पुट करो वैल्यूज ट्वेंटी टू बाई सेवेंटीन माइनस सेवन बाई सिक्स x माइनस माइनस हो गया प्लस वन बाई सेवेन्टीन ठीक है सो so, यहाँ से हम क्या करेंगे y माइनस ट्वेंटी टू बाई इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे अब माइनस सेवन बाई सिक्स एक्स माइनस सेवन बाई सिक्स इंटू सेवनटीन ठीक है इसको ऐसे रहने देते हैं ठीक है जी हो गया सो so, अब हम क्या करेंगे x वाली टर्म को इधर ले आते हैं सेवन बाई सिक्स एक्स ठीक है इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन सिक्स इंटू सेवनटीन ठीक है प्लस ट्वेंटी टू इंटू सेवनटीन तो नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे सिक्स एल सी एम ठीक है तो सिक्स वाई प्लस सेवन एक्स हो गया राइट हैंड साइड पे भी एल सी एम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे एल सी एम कितना आ गया सिक्स इंटू सेवनटीन तो यहाँ पे माइनस सेवन हो गया सिक्स इंटू ट्वेंटी टू हो गया ठीक है राइट right, ये सिक्स और सिक्स आमने सामने कट गए ठीक है सो दिस इज़ सिक्स वाई प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन प्लस सिक्स इंटू ट्वेंटी टू ठीक है सो दिस इज़ वन थर्टी टू अपॉन सेवनटीन इस सेवनटीन को इधर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है सो दिस इज सेवनटीन इंटू सिक्स वाई प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस का सेवन प्लस का वन थर्टी टू तो ये रह जाएगा वन ट्वेंटी फाइव ठीक है तो सेवनटीन इंटू सिक्स ये हो गया वन हंड्रेड टू वाई ठीक है सेवनटीन इंटू सेवन ये हो गया वन हंड्रेड नाइनटीन एक्स इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वन टू वाई ठीक है प्लस वन हंड्रेड नाइनटीन एक्स इक्वल टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन